क्वेश्चन नंबर 17, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। ठीक है, द विड्थ ऑफ द स्लिट्स गिवन है, द स्लिट इज एलिमिनेटेड बाई मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स, इफ अनदर स्लिट ऑफ सेम विड्थ इज मेड नियर टू इट, यंग्स फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, इफ द ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ इज दिस, व्हाट इज द स्लिट सेपरेशन। तो देखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है स्लिट सेपरेशन और मैक्सिमम की विड्थ, उससे हम लोगों को लैम्डा पता करना है। ठीक है ना, तो देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये निकलता है, एक बात समझना ध्यान से, कि 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे फर्स्ट मिनिमम बन रहा है, मतलब यहां पे बन रहा है फर्स्ट मिनिमा और यहां पे बन रहा है फर्स्ट मिनिमा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल 30-30 डिग्री हो गए, और मिनिमा के लिए कंडीशन ये होती है, फॉर मिनिमा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो ये फर्स्ट है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 माइक्रोमीटर दी हुई है, तो b की जगह 10^-6, साइन थीटा की जगह 1/2, m की जगह 1 और इनटू लैम्डा। तो आप देखो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले मिलेगी, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 5 × 10^-7 मीटर में। ठीक है, और उसके बाद हमें फ्रिंज विड्थ दी हुई है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, तो यहाँ से हमको स्मॉल डी निकालना है। तो लैम्डा हो गया 5 × 10^-7, कैपिटल डी की जगह आएगा 0.5 एंड डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ की जगह आएगा 10^-2। तो ये वैल्यू जरा देखो क्या होती है, 5 × 10^-7 × 0.5 डिवाइडेड बाई 10^-2, तो ये वैल्यू आती है निकल के 2.5 × 10^-5 मीटर में। ठीक है ना, तो अगर हम इसको माइक्रोमीटर में लिखें तो ये 25 माइक्रोमीटर बन जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। ठीक है।